नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की जिसने अपने निवेशकों को इतना पैसा छाप कर दिया है जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। कहने के लिए कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, किंतु अमेरिका की यह एक दिग्गज कंपनी है जो कि भारत में भी बिजनेस करती है और भारतीय बाजारों में लिस्टेड है। और इसके रिटर्न की बात सुनकर रियली भरोसा नहीं होता, किंतु सच्चाई देखकर भरोसा करना ही पड़ेगा। पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें, फिर आगे इसके अन्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो इसके रिटर्न की स्थिति यह है कि ये एक दिन में 2.26% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स 0.63% का रिटर्न दिया है। एक वीक में इसने लगभग 2% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स -6.15 का रिटर्न दिया है। और एक मंथ में इसने 32% की रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने लगभग 6% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ देखेंगे अगर 3 महीने की, तो 3 महीने में इसने 21% की रिटर्न दी है और सेंसेक्स ने -23.09% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात कर लें तो 6 महीने में इसने आपके पैसे को 2.5 गुना किया है, 145% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 0.2153 का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर ईयर टू डेट की बात करें, इस साल में इसने क्या परफॉर्मेंस दिया, तो इस साल में इसने 1 जनवरी से लेकर आज तक 89.93% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 0.2330% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल की बात कर लें तो एक साल में इसने आपके पैसे 3 गुना किए हैं, 208.27% का इसने रिटर्न दिया है और सेंसेक्स यहीं पर सामने -16.27%, मतलब 16% निगेटिव रिटर्न में है। अब 2 साल की अगर बात कर लें तो 2 साल में इसने आपके पैसे 4.25 गुना किए हैं, 323.33% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 10.15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में इसने आपको 565% का रिटर्न दिया है, लगभग पैसे आपके 5.5 गुना हुए हैं और वहीं सेंसेक्स आपको मात्र 5.74% का रिटर्न दिया है। अब 4 सालों की बात कर लें तो 4 सालों में आप देखेंगे कि कंपनी ने आपके पैसों को 13 गुना किया है, 1278.15% का आपको इसने रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स मात्र 25.42% का रिटर्न दिया है। अब अगर 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में भी इसने लगभग 1216% का रिटर्न दिया है। अब अगर लंबी दूरी की बात करें और 10 साल की बात करें तो 10 साल में आप देखेंगे कि इसने 3020% का रिटर्न दिया है, लगभग पैसे को 30 गुना किया है और सेंसेक्स मात्र 88.70, लगभग 89% का रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार के इसके भयंकर रिटर्न का लंबा इतिहास है। मतलब ये नहीं है कि इसने कोई किसी परिस्थितिवश 1 साल में 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया और उसके बाद इसने रिटर्न देना बंद कर दिया हो। इसने लगातार पिछले 10 सालों से परिस्थितियां चाहे ऊपर गई हों चाहे नीचे आई हों, इसने लगातार पैसा छाप करके दिया है, ऐसा है इसका इतिहास। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो आप यहां देखेंगे कि प्रमोटर्स के पास लगभग 75% की शेयर होल्डिंग है। तो आप कहेंगे कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में कैसे 75% का अपना शेयर होल्डिंग रख सकता है? रख सकता है। ऐसा प्रोविजन है कि भारतीय जो DII हैं उनके माध्यम से विदेशी कंपनियां 50% से अधिक अगर वो अपने कंपनी में शेयर रखना चाहता है तो उसको DII के माध्यम से ही ऐसा करने का छूट है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे कि 75% तो प्रमोटर की होल्डिंग है, बाद बाकी जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होल्डिंग जो है वो है 22.61% के आसपास और ये इसकी शेयर होल्डिंग की स्थिति है। अब इसके अगर NSE पर चलें और इसके कारोबार की स्थिति को देख लें तो आप देखेंगे कि 65,603 शेयर्स की पिछले ट्रेडिंग सेशन में टोटल ट्रेडिंग हुई और 23,176 शेयर की टोटल डिलीवरी हुई। डिलीवरी बहुत अच्छी है, 35.33% जो डिलीवरी और परसेंट है वो है। इसकी प्राइस आप देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो 2.40% की अगर इसमें तेजी रही थी तो 83.35 रुपये की तेजी रही और 3561 रुपये पर यह व्यापार किया और इसकी क्लोजिंग हुई थी 3558.60 रुपये की। तो फ्रेंड्स,
यह रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंपनी का नाम आपको बता दें, कंपनी का नाम है GMM पिफडलर। ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है और दुनिया की नामी कंपनी है। तो इसके बारे में आप रिसर्च करें, इसके बारे में जानें समझें। एक इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर किया, इसको एक्सप्लोर करें और इसके बाद कोई इसमें निर्णय लें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।